उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया। योगी का टारगेट सभी 9 सीटें जीतने का है, जिसके लिए संघ के साथ मिलकर के प्लान बनाया गया कि हर एक बूथ पर बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल कैसे बनाना है और हर बूथ पर जाति गणित को साधने का फॉर्मूला तैयार किया गया। 9 सीटों पर जीत के लिए संघ और बीजेपी ने कौन सा प्लान तैयार किया जो अखिलेश के पीडीओ को चुनौती देगा, इस रिपोर्ट में बता दीजिए। यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव बीजेपी और अखिलेश दोनों के लिए एक बड़ा दंगल है। सीएम योगी हर सीट पर खुद मोर्चा तो संभालेंगे, साथ ही कोई कसर ना रह जाए उसके लिए बीजेपी और संघ ने स्पेशल प्लान बनाया है। बीजेपी 9 सीटें जीतकर विधानसभा में वापसी का दावा ठोकना चाहती है, तो अखिलेश ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर 27 में सत्ता के लिए माहौल बनाना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी लोकसभा चुनाव से सबक लेकर उपचुनाव में कसर पूरा करना चाहती है, इसके लिए बीजेपी को संघ का खुलकर साथ मिल रहा है। सूत्रों की माने तो संघ ने बड़े पैमाने पर संपर्क कार्यक्रम शुरू किया है। संघ ने उपचुनाव वाली विधानसभा सीटों के लिए टोलियां तैयार की हैं। 9 सीटों पर संघ की टोलियां 5 से 10 लोगों के साथ बैठकें कर रही हैं, जो लोगों से स्थानीय मुद्दों पर चर्चा कर रही है, साथ ही हिंदुत्व सुशासन विकास और लोक कल्याण के बारे में बैठक कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि दिवाली के बाद बीजेपी और संघ के योद्धा इस प्लान को नई धार देंगे। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर संघ भी अब बीजेपी के लिए जमीन तैयार करने में जुट गया है। इसके लिए उपचुनाव वाले विधानसभा क्षेत्रों में संघ के तमाम कार्यकर्ता बकायदा हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर आम लोगों को जागरूक करते हुए नजर आएंगे और बीजेपी के पक्ष में जमीन तैयार करते हुए दिखाई पड़ेंगे। बीजेपी और संघ ने मिलकर जो खास फॉर्मूला तैयार किया है वो यूपी उपचुनाव में 9 सीटों पर बीजेपी को बड़ी जीत दिला सकता है। वहीं यूपी उपचुनाव के लिए बीजेपी खेमे में 9 क्लस्टर के हिसाब से रणनीति बनाई गई है। हर क्लस्टर में 2 से 3 मंत्रियों के साथ ही बीजेपी पदाधिकारियों की टीम लगाई गई है। इसके साथ ही हर विधानसभा सीट के प्रभारी मंत्री को भी अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। हिंदुओं को एकजुट रहने की अपील की जा रही है बीजेपी की तरफ से, और इसीलिए शायद हिंदुत्व कार्ड पर पूरी तरह से फोकस किया जा रहा है। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि बीजेपी पूरी तरह से अब इस पूरे जो एजेंडे पर जो है अपनी धार दे रही है। बीजेपी और संघ ने पूरे प्लान को पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में बांट दिया है। छोटे छोटे ग्रुप्स में बूथ पर लोगों से संपर्क अभियान का भी प्लान तैयार किया गया है, जिसमें जाति गणित का भी ध्यान रखा गया है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के जाति कार्ड ने बीजेपी का बड़ा नुकसान किया था। इसलिए इस बार बीजेपी ने हर बूथ पर जाति गणित की जिम्मेदारी मंडल अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष को दी है। बीजेपी ने अलग अलग मोर्चे को जातीय समीकरण ध्यान में रखकर तैनात किया है। जातियों के नेताओं को वोटिंग के लिए लोगों को प्रेरित करने की भी जिम्मेदारी दी गई है, साथ ही संगठन के क्षेत्रीय अध्यक्ष को भी लगाया गया है। विधानसभा सह विधानसभा प्रभारियों की, विधानसभा संयोजकों की घोषणा की जा चुकी है। सभी क्षेत्रों में बहुत पहले से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। मंत्री परिषद के सदस्यगण भी विधानसभा सह लगातार दौरे कर रहे हैं। मंत्रियों के दम पर सरकार चुनाव जीतना चाहती है, एक डर का माहौल बनाकर प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग कैसे ज्यादा से ज्यादा हो, इसके लिए 3-3 मंत्री लगाए गए। जाहिर है यूपी का उपचुनाव बीजेपी के लिए नाक और साख का सवाल बन चुका है, जिसे बचाने के लिए बीजेपी और संघ की डबल टीम एकजुट हो गई है। अब इस तमाम रणनीति का फायदा क्या होगा, ये तो चुनावी नतीजों के बाद ही पता चलेगा। लखनऊ से विशाल रघुवंशी, जी मीडिया। और आज जी न्यूज पर खुलने जा रहा है 24 साल पहले का सबसे बड़ा राज। टीवी इतिहास में पहली बार भारतीय सेना पर सबसे बड़ा खुलासा होगा। आज अगर आपने जी न्यूज नहीं देखा तो राज आप पता नहीं कर पाए। सेना पर हैरान करने वाला एक्सक्लूसिव खुलासा रात 9:57 पर आप देखना ना भूलिएगा ऑपरेशन राहुल। News.